हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है पीडीआईएल की तरफ से, मतलब प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है, मिनी रत्ना कंपनी है। और यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है नोएडा की तरफ से आ रही है, और वडोदरा की तरफ से, चेन्नई की तरफ से, मुंबई की तरफ से, ये सभी आप लोगों की लोकेशन है, अलग अलग लोकेशन है। और आप सभी के लिए जितनी भी वैकेंसी है यहाँ पर अलग अलग रहने वाली है। तो गाइस, इस वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, एंड आप सभी को अप्लाई लिंक भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सारी चीजें टेलीग्राम पर मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये कंपनी किस किस क्षेत्र में वर्क करती है। ये जैसे आप लोग का जो भी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पीडीसीआईएल नोएडा में ऑफिस है इसका मेन। और ये जो वर्क करती है, जैसे आप लोग जो भी गैस वगैरह के क्षेत्र में और फर्टिलाइजिंग के क्षेत्र में, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी है और मिनी रत्ना ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी, तो यहाँ पर दिया भी गया है। तो इन सभी से रिलेवेंट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो जो जल्दी से जाइए। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई करना, एलिजिबल नहीं है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। कि यहाँ जो आप लोगों का रहने वाला वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। अब गाइस, वॉक इन इंटरव्यू नहीं जानते हैं कुछ लोग, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ जाता है वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है। या फिर मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, तब भी काफी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इसको अप्लाई किस तरीके से करें या फिर कैसे जाएं। तो मैं उनके लिए बता दूं गाइस, ये ऑफ कैंपस इंटरव्यू है। ऑफ कैंपस और वॉक इन इंटरव्यू मतलब कि जहां पर ये कंपनी आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराती है उस लोकेशन पर आपको जाना होगा, तभी आप लोग वहां पर इंटरव्यू दे पाएंगे और उसके बाद ही आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये चीज़ें मेन है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी, इसकी जो मेन नोटिफिकेशन है उससे सारी डिटेल दे देती हूँ। और अप्लाई लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर अप्लाई भी कर देना, क्योंकि इसमें अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, पीडीआईएल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड यहाँ पर जो आप लोग का इंडिया लिमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग वर्क करता है नोएडा, जो आप लोग का इसमें मैंने हेडक्वार्टर बताया नोएडा में है। नोएडा बुद्ध नगर, मतलब गौतम बुद्ध नगर इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर और भी आप लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है ये किस क्षेत्र में वर्क करती है, क्या करती है, गैस पावर वगैरह इन सभी में आपको बताया गया है। और यहाँ आप लोग की सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंसी है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, मतलब प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है ये, जो है आपकी गवर्नमेंट नहीं है। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट आप लोग इस पे वर्क करना चाहते हैं। और यहाँ किसके लिए है, जो आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सिविल ब्रांच से किया है आपने, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन आपकी सिविल ब्रांच से है। और गाइस, सिविल ब्रांच से, अगर अदर ब्रांच से स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों की वैकेंसी है ओनली ऑन सिविल वालों के लिए। सिविल कंस्ट्रक्शन 10 वैकेंसी निकाली गई है और मैक्सिमम एज 35 रखी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन आपका डिपार्टमेंट है। डिग्री वाले अप्लाई करेंगे जैसे सिविल स्ट्रक्चरल में है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग अप्लाई कर दें, अगर नहीं है तो गाइस अपने बड़े जिसके भी पास एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वैकेंसी को शेयर कर सकते हैं। तो ये कैंडिडेट, इनका जो एक्सपीरियंस है ये आप लोग के डिपार्टमेंट दी गई है इससे रिलेवेंट है। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे गैस कंपनी होती है, ऑयल एंड गैस कंपनी, या पावर इंडस्ट्री, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, या केमिकल इंडस्ट्रीज, या फिर फैब्रिकेशन, इन सभी में स्टील स्ट्रक्चर, इन सभी में आप कंपनीज का आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दूसरा बात आता है पोस्ट का, यहाँ पर एक्सपीरियंस 31/7/2022 इस के अंतर्गत आपका देखा जाएगा, मिनिमम एज भी इसी के अंतर्गत देखी जाएगी। अगर आप लोग नोएडा में, आप लोगों का जो है मतलब रहता है जॉब लोकेशन, या चेन्नई में रहता है, या मुंबई या हैदराबाद में रहता है, तब आप लोगों का 51,800 वो रहेगा यहाँ पर सैलरी पैकेज, क्योंकि गाइस ये जो सिटी है इनमें आप लोग का हाई सैलरी पैकेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वडोदरा की बात करें तो यहाँ पर वडोदरा में जो है आप लोग का 46,000 प्लस रहेगा, मतलब 46,620 यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज रहेगा। एज रिलैक्सेशन सेम दिया जाता है एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, बाकी कैंडिडेट जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल का दिया गया है। और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें
तो 60% आप लोग का होना चाहिए जो हमारे जनरल वगैरह वाले हैं, और 55% SC ST वालों के लिए होने चाहिए मेन क्वालिफिकेशन में। और आप लोगों को अप्लाई का जो है इसको जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस वगैरह इस डेट के अकॉर्डिंग ही करना होगा। अगर आपका इस डेट तक एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है तभी अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं होता तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताइए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर देना। दूसरा बात आता है गाइज, इस फॉर्म की एप्लीकेशन आप लोग को ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। फॉर्म की जो फीस दी गई है, फॉर्म की 800 रुपये फीस दी गई है, और आप लोग के जो हमारे जैसे OBC वाले उनके लिए, जनरल वालों के लिए 800 है, 400 रुपये SC ST वालों के लिए फीस दी गई है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा जैसे आप लोग, और हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। कैसे, देखिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये बोलेंगे कि यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं फिर भी वॉक इन इंटरव्यू। तो देखिए, जब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो फॉर्म का आप लोग जब यहाँ जिस डेट को वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जिस तरीके से आप लोग का एग्जाम होता है तो गवर्नमेंट जॉब का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है, ईमेल पर भी आता है, इसी तरीके से इसका भी नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में आपको डेट दिया गया होगा किसको, किस डेट को होने वाला, उस डेट को आप लोग इंटरव्यू के लिए जाइए और वहाँ ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। जैसे देखिए, 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, अपना जो मेन मार्कशीट है उसे, ये सभी चीज़ें आप लोग लेके जाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाएं, और आप लोग अपनी आइडेंटिफी जो भी आप लोग आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग कैरी करेंगे। स्टार्टिंग डेट इसकी 8/9/2022 है, लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिलअप करने की 27/9/2022 है, और आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू देखिए यहाँ रहेगा 30/9/2022 को। तो आप लोग के पास ईमेल पर भी मैसेज आ जाएगा। बाकी आप लोग वेन्यू वगैरह देखिए, इंटरव्यू एंड वेन्यू आप लोग को बता दिया जाएगा, वेन्यू क्या क्या रहेगा, कहाँ पर रहेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिफिकेशन में जो आप लोग ईमेल डालेंगे उसके माध्यम से बता दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।